वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना महामारी के कारण हो रही मौतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार यानी 18 मई को जारी हुए आंकड़ों में भी 4000 से ज्यादा मौतें दर्ज थी। शवगृहों, कब्रिस्तानों में जगह न होने की खबरें पिछले कई दिनों से आ रही हैं। इसी बीच बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी में कई लाशें बहती हुई दिखाई दी थी। ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, प्रयागराज एवं कानपुर के गंगा घाटों पर भी देखने को मिली। गंगा किनारे कई शव देखे जाने के कुछ दिनों बाद प्रयागराज के पुलिस महानिरीक्षक केपी सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि शवों का अंतिम संस्कार 2-3 महीने पहले किया गया था। साथ में ये भी कहा कि परेशान करने वाली ये तस्वीरें कोविड-19 के दूसरी लहर की वजह से नहीं थी। केपी सिंह के अनुसार कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार फाफा मऊ घाट पर किया जाता है और किसी भी शव को रेत में नहीं दफनाया गया है। सिंह ने कहा कि उन्होंने नदी किनारे गश्त के लिए पुलिस कर्मियों, जल पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF को तैनात किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी शव गंगा या यमुना में विसर्जित न करे। उन्होंने कहा कि टीमें चटना, फाफा मऊ और श्रृंगारपुर घाटों पर 24 घंटे गश्त कर रही हैं और कड़ी नजर रख रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और मीडिया में आ रही खबरें केपी सिंह को गलत साबित कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ पुलिस वालों के सामने ही एक शव को टायर और पेट्रोल डालकर जलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह लाश गंगा नदी में बहकर आई थी, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे बाहर निकालकर गंगा के किनारे जलाने लगे। आप एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए। इस वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाले लावारिस शवों का दाह संस्कार कर रहे हैं, लेकिन शवों की अत्योष्टि में दाह संस्कार के दौरान टायर का सहारा लिया गया है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद बलिया के पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा ने दोषी 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। इस घटना के अलावा इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गंगा के किनारे रेत में दफन किए गए लाश को एक कुत्ता निकाल रहा है, जिसका वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया है। इस कोरोना महामारी ने सरकार के सभी दावों की पोल खोल दी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करती है या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस तरह की अमानवीय घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।